Welcome to Ved Mishra classes, and today is a class for the busy student, tally student, SAP student and accounting student. And today is a topic related to the transactions, which is named as the accounting voucher. देखिए आज का जो टॉपिक है वो अकाउंट्स फील्ड से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे टैली के स्टूडेंट हो या चाहे बिजी के स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है आज का, वो है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, देखिए जब टैली की बात की जाए तो आपने अपने कंपनी क्रिएट कर ली, लेजर्स बना लिए, स्टॉक बना लिए, इसके बाद फिर आपका आता है ट्रांजेक्शन्स का। अब आप लेन देन करेंगे, लेन देन कि आप कहीं पैसा देंगे, वहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक चीज़ अप आएगी, एक आपकी डाउन आएगी। तो वो चीज़ क्या होगी, ट्रांजेक्शन जो होगी उसको आपको रिकॉर्डिंग करना है इस पोर्शन में। तो ये अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है, अकाउंटिंग वाउचर का मतलब हो गया वो सारे वाउचर्स, वो सारी लेन देन जो एक रिस्पेक्टिव बिजनेस को नेसेसरी होती हैं उसको चलाने के लिए, चाहे आप परचेस करें, सेल करें, चाहे बैंक में पैसा जमा करें, बैंक से पैसा निकालें, या फिर आपने खरीदा हुआ माल को वापसी करें या बेचे हुए माल को वापसी लें, तो ये सारी लेन देन को किस में रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। तो 8 टाइप्स के मेनली अकाउंटिंग वाउचर होते हैं टैली में, बिजी में 12 होते हैं, एसएपी में का अलग एक पोर्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 8 टाइप्स के मेनली आपके टैली के अंदर वाउचर्स होते हैं, और टैली की ऊपर हम बात करते हैं तो 8 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से वाउचर होते हैं उसके ऊपर समझते हैं। तो 8 टाइप्स के टैली के अंदर वाउचर्स होते हैं, पहला आपका होता है काउंटर, काउंटर की जो शॉर्टकट की होती है F4 होती है टैली के अंदर। दूसरा वाउचर आता है आपका पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। तीसरा वाउचर आपका आता है रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। उसके बाद फिर आपका वाउचर आता है जनरल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। उसके बाद फिर आपका वाउचर आता है सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। उसके बाद फिर आपका वाउचर आता है परचेस वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। उसके बाद फिर आपका आता है डेबिट नोट वाउचर, जिसे आप परचेज रिटर्न भी कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl F9। और इसके बाद फिर आपका एक वाउचर आता है जिसे कहते हैं क्रेडिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl F8। ये तो हमने समझ लिया, अब इसके बारे में समझते हैं। तो स्टार्टिंग के मैं बताना चाहूँगा काउंटर वाउचर क्या होता है। काउंटर वाउचर वो वाउचर होता है जिसके अंदर कैश और बैंक के लेन देन की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगर बैंक और कैश रिलेटेड कोई भी अगर लेन देन होगी, और दोनों ट्रांजेक्शन में तो कोई भी लेन देन, जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होगी वो काउंटर वाउचर की ट्रांजेक्शन होगी और ये काउंटर में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद फिर आपका आता है पेमेंट, अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट करते हैं यानी किसी चीज़ की भी पेमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आता है रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर के अंदर क्या होगा, कोई भी अगर आपको रिसिप्ट हो रही है किसी तरह की इनकम या लोन का पैसा रिसीव हो रहा है, वो आपके लिए क्या है, रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद फिर आपका आता है जनरल वाउचर, कोई भी उधार की लेन देन होगी उसको रिकॉर्ड किस में किया जाएगा, जनरल वाउचर में। अब बात करते हैं परचेज वाउचर, परचेज वाउचर के अंदर अगर आप कोई भी खरीदारी का काम करते हैं, चाहे रॉ मटेरियल कोई सी चीज़ को भी, तो वो किस में रिकॉर्ड होगी, परचेज वाउचर में। सेल्स वाउचर के अंदर किसी सामान को अगर आप सेल करेंगे, किसको सेल करते हैं, स्टॉक आइटम को, किसी एसेट को भी सेल करेंगे, तो एसेट को नहीं, अगर किसी स्टॉक आइटम को सेल करते हैं तो किस में रिकॉर्डिंग होगी, सेल्स वाउचर में। ठीक है ना, अब बात आती है सेल्स रिटर्न के अंदर, अगर आपने कोई सामान बेचा उसमें कुछ खराबी हो गई, तो अगर आपके पास वापसी आएगा तो उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न, तो वो किस में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट नोट वाउचर में। अब बात आती है डेबिट नोट वाउचर, जिसे कहते हैं परचेज रिटर्न, अब आपने खरीदा हुआ माल उसमें कुछ खराबी होगी, अब आप रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको किस में रिकॉर्ड करेगा, डेबिट नोट वाउचर में, जिसे कहते हैं परचेज रिटर्न वाउचर। तो आई होप दैट मैंने सारे वाउचर्स आपको समझा दिए शॉर्टली, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे हैशटैग करें, कमेंट करें, और बाकी आई होप दैट आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा काउंटर वाउचर के बारे में डिटेल में, बाकी सभी वाउचर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।